कुछ पल ऐसे होते हैं जिनका बहुत बेसब्री से इंतजार किया जाता है, और जो आज का दिन मैं स्पेशली सबके सामने जो जिसके लिए वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो मैं मेरे पिताजी को समर्पित करना चाहूँगी, जो हमेशा से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि राम लल्ला को विराजमान होते हुए देख पाए, बट शायद भगवान को कुछ चीजें नहीं पता क्यों होता है ऐसा, उस चीजों का नहीं पता, क्योंकि ये चीजें अपने हाथ में नहीं होते। बट पिताजी को मैं अभी, शायद वो हमें देख पा रहे होंगे या इस पल को भी देख पा रहे होंगे, आज का दिन जो बहुत ज्यादा शुभ दिन है, हर भारतीय को इंतजार था, उन्हें ही नहीं बल्कि हर भारतीय एक इंतजार कर रहा था इस पल को जीने के लिए, देखने के लिए। और हम भी शायद इस जो पल को, हम एक बहुत ज्यादा गौरव फील होता है हमें, एक गौरवान्वित महसूस करते हैं हम कि हमें ये पल देखने के लिए मिला। और वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रधानमंत्री श्री माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये सब संभव हुआ। 500 साल का इंतजार बहुत लंबा होता है, बहुत ज्यादा लंबा होता है, बहुत सारे बलिदान दिए गए हैं शायद इस चीज के लिए। और बहुत ऐसे हमने न्यूज में अभी खबरें जितनी चल रही है हमने देखा भी होगा कि लेटेस्ट जो अलग-अलग जगह से हमें पता चल रहा है कि कैसे कोई एक पूरा लंबा मौन व्रत रख के आज के दिन वो अपना रामलला के विराजमान होने के बाद अपने व्रत को तोड़ेगा। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं ऐतिहासिक, और हम इस चीज के लिए प्राउड फील करते हैं कि हम इस देश के वासी हैं, भारत देश के, जहाँ पे इन चीजों को बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, रस्मों को, रिवाजों को, मान्यताओं को, और जो हमारे एक भगवान से जुड़ी हुई जो आस्था है उस चीज के लिए भी। तो मैं सभी को इस दिन के लिए शुभकामनाएं देती हूँ अनु के साथ, और मेरे पिताश्री को भी। मैं शायद वो हमें देख पा रहे हैं इस चीज को, इस पल को अनुभव कर रहे होंगे जहां पे भी है, तो उनकी कमी नहीं पूरी हो सकती हमारी जिंदगी में तो। बट फिर भी मैं, मेरे सभी भारतवासी जो हैं उन सभी को मैं इस दिन की फिर से शुभकामनाएं देती हूँ। और एक अच्छे शुभ मुहूर्त में, जो 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये काम हुआ है, हमारे अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए हैं, शंखनाद के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ एक प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और उस चीज को मतलब हम किस तरह से व्यक्त करें, शायद चीजें समझ में नहीं आती, और हम अपनी भावनाएं व्यक्त भी नहीं कर सकते क्योंकि, शब्दों की कमी पड़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि इतनी खुशी महसूस हुई उस, जब उस चीज को हम देख रहे थे अपनी आंखों से, शायद हर भारतीय उस चीज का इंतजार कर रहा था बिल्कुल, उस पल को देखने के लिए। और मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी इस चीज के लिए, क्योंकि ये एक बहुत जुड़ी हुई भावनाएं हैं हमारी हर भारतीय की, जो एक लंबा इंतजार करने के बाद हमें चीजें मिलती है, हम वो देखते हैं, महसूस करते हैं, उस पल को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बस मैं अभी इतना ही कहूंगी कि अयोध्या में जो आज का दिन है वो ऐतिहासिक स्वर्ण अक्षरों में अभी लिखा जाएगा हमारे, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है, और उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। मैं ऋतुराज बिश्नोई अनुराधा मैम के साथ आप सभी का ईयू वीजा में स्वागत करती हूँ, और जो मेरे क्लाइंट्स कुछ जो वहाँ गए हुए हैं, हम नहीं जा पाए बट जल्दी जाएंगे, बिल्कुल दर्शन करेंगे, और जिन्होंने हमें छोटी छोटी क्लिप भेजी है, और उनकी खुशी, उनकी झांकियाँ, उनके जो देखने में हमें यहाँ बैठ के आनंद महसूस हो रहा है, सोचिए वहां जाने पे कितना गौरवान्वित महसूस होगा इस चीज को, इस क्षण को। और बाकी अनु मैम आपके साथ इसके रिगार्डिंग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेरे शब्द वाकई आज कम पड़ रहे हैं क्योंकि मैं इन चीजों को बयान नहीं कर पा रही हूँ। प्रीतु मैम की थोड़ी सी भावनाएं ज्यादा ही जुड़ी हुई हैं। अंकल जी की तरफ से भी ये बोल सकते हो आपकी बहुत ज्यादा वो चाहते थे इस समय को जीना या फिर वहां जाना,
अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं हो पाई। हमारी सबकी भावनाएं मैम के साथ में हैं और गुड विशेज हैं अंकल जी के साथ में। साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगी मैं कि जितनी भी मतलब इतने सालों का जो इंतज़ार था वो आज कंप्लीट हुआ है, उसकी खुशी हम सीरियसली व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। साथ में ही हम आपकी जो भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं या फिर हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन सभी ने हमें जो जो वीडियोस शेयर की हैं वो सारी हम साथ में लगाएंगे वीडियो के एंड में, वो आप देखिएगा, आपको भी पता चलेगा कि भाई कितना ज़्यादा माहौल बना हुआ है, रोमांच हो रखा है कि हर जगह खुशियाँ बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हैं। इवन फोटोग्राफर भी अगर वहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं तो उनकी आंखों पे भी आंसू झलक रहे हैं, क्योंकि ये एक क्षण ऐसा क्षण था जो शायद हम शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे, वो कर भी नहीं रहे, वो सिर्फ उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, और आप भी इस चीज़ को महसूस कीजिए। और बाकी मैम कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। हाँ वैसे तो आज कोई वैकेंसीज लेकर आने का हमारा मन नहीं था, बट फिर भी थोड़ी सी मैं डिटेल्स दे देती हूँ क्योंकि ये हमारे काम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ग्रीस की कुछ वैकेंसीज आई हैं अपने पास में, चिकन फैक्ट्री के अंदर जो फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर होती हैं उनकी वैकेंसीज रिसीव हुई हैं। तो अगर आपके पास में उसका डिप्लोमा है तो आप उसमें इनरोल कर सकते हो। 700 से 800 यूरो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, डिपेंड करता है आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर। अच्छी आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, फूड अकोमोडेशन मोस्टली चीज़ें कंपनी खुद प्रोवाइड करवा रही है, और इसके अलावा वो आपको अदर फैसिलिटीज़ भी देंगे, इंश्योरेंस एंड मेडिकल भी प्रोवाइड करवाएंगे आपको, ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे हैं, और साथ में आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे, ओवर टाइम्स भी हैं तो आप ये भी अवेल कर सकते हो। और साथ में अगर ग्रीस जाने का आपका सपना है तो डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर लीजिए, आपका पासपोर्ट, एकेडमिक डॉक्यूमेंट और आपकी PCC जो हमेशा बोलते हैं हम कि मस्ट रहती है इसके अंदर। और नेक्स्ट में चाहिए आपका एक आधार कार्ड, एक बर्थ सर्टिफिकेट वो मैंडेटरी है, एक डिप्लोमा होना चाहिए फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटिंग का, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आपकी इंट्रोडक्शन और वर्किंग वीडियो भी प्रोवाइड करवा देते हो तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसके अलावा मैम कुछ बोलना चाहें तो आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, सोनू सर आज अवेलेबल नहीं है ऑफिस में, वो सबमिशन के रिगार्डिंग गए हैं, आस्ट्रिया और पुर्तगाल के सबमिशन थे बच्चों के, तो वो करवाने गए हुए हैं, इसलिए इन केस अगर आपका फोन पिक नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वैसे रिप्लाई करेंगे, साथ के साथ मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। ये मैं सभी को मैसेज देना चाहूँगी जो भी नए मेरे क्लाइंट हैं, नए व्यूवर्स हैं, और कल के लिए भी सर बिजी रहेंगे क्योंकि UK का सबमिशन है, तो प्लीज़ आप कॉपरेट कीजिए उनको, मैसेज ही ड्रॉप कीजिए, मोस्टली कॉल्स वगैरह का थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा एक बार के लिए। बिल्कुल 2 डेज अभी सबमिशन चल रहे हैं, आज और कल का दिन, और उसके बाद आपके जो भी मैसेजेस वगैरह क्वेरी वगैरह उन पर टाइम टू टाइम रिप्लाई दिया जाएगा। और साथ ही जो मेरे क्लाइंट्स थे जिनकी फाइलें लगी हुई है क्रोशिया की, उनके परमिट अभी अपडेट मिली है कि इसी मंथ के अंदर रिसीव हो जाएंगे, तो वो भी सबमिशन के लिए रेडी रहिए। और PCC रिलीज होने स्टार्ट हो रहे हैं मैम अभी। बिल्कुल PCC की डेट वगैरह भी अपनी चेक कर लीजिए, एक्सपायर वगैरह ना हो, और तो उस चीज़ के लिए भी मैं अपडेट देना चाहूँगी। और अभी मैं फिर से तहे दिल से सबका, मतलब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मैं उनको फिर से धन्यवाद दूंगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से ये संभव हो पाया है। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं, और बाकी सभी भारतीयों को भी मैं इस दिन को अपना अच्छे से भरपूर अच्छे से आनंद कीजिए, आनंद में होइए, जैसे राम में हो गया है पूरा आज अपना इंडिया वैसे ही, और अपने फैमिलीज के साथ उस मोमेंट को इंजॉय कीजिए। हमारी तरफ से इतना ही मैसेज था, मैम कुछ और कहना चाहते हैं तो प्लीज कहिए। एक तरह से आज दिवाली जैसा माहौल हो रखा है तो उसको अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कीजिए, बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, और सबकी लाइफ में ऐसे ही रोशनी भरी रही। और हमारी तरफ से EU वीजा की तरफ से आप सभी को, सभी भारतीय को दिल से शुभकामनाएं, और आपका दिन मंगलमय हो। और लास्ट में इतना कहूंगी, जय श्री राम। जय श्री राम।